हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोर कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र होगा एक का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ए बी थ्री। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। दो का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 0.1 MBaCl2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तीन का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, विद्युत अपघट्य के समतुल भार से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोनाजाइट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन है, NiCO4 में एक निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। पाँच का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, 0। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर, निम्नांकित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। छः का आंसर डी, बिल्कुल सही, HCl। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर, एल्किन का समान सूत्र, यानी एल्किन का समान सूत्र क्या होता है। सात का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, CnH2n। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर, इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है। आठ का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, प्राकृतिक रबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर, कैल्शियम फॉर्मेट का संरण करने पर प्राप्त होता है। नौ का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, CHCHO। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रतिक्रिया की कोटि है। 10 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 0। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब। 11 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, कुहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है। 12 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, द्रव का गैस में। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। देखिए, ऑप्शन इधर है, यानी 13 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 13 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, Zn+2, यानी 2+। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, भूरे ब्लै सकुल जो ये रिएक्शन अति दिया हुआ है, Fe H2O2NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था। 14 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, +1, यानी Fe का पूछा है तो +1। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, यानी अमोनिया को कैसे शुष्क किया जाता है। 15 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सांद्र H2SO4। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी है। 16 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, इससे कोर्बिक अम्ल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ऑप्शन ए में ऑक्सीकरण विधि लुकास परीक्षण या विक्टर मेयर परीक्षण, ये तीनों से किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, सभी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सबसे क्षारीय है। जो ऑप्शन दिया उसमें सबसे क्षारीय कौन है। 18 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, CH3 2NH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय एल्काइट का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। यानी 19 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, H2 और O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक से आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। 20 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, यानी 2। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है।
21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जाइमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। बेंजीन में यानी बॉन्ड यानी बंधन यश NH2 समूह है, यानी 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑर्थो एवं पारा डायट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। देखिए एल्कोहल का एस्टरीफिकेशन का क्रम है, यानी 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। समान ताप पर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 22.4 लीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोलालता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, आयरन के निष्करण में उत्पादन धूल धातु मल है, 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। लेथेनाइट संकुचन का अर्थ क्या होता है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी आयनिक त्रिज्या में कमी। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हेलाइट तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।